पिता बनाते हैं फिल्म, बेटा क्रिकेट जगत में मचा रहा है कोहराम। चार मैचों में इतने रन मार दिए कोहली, धोनी और रिंकू सिंह भी कर रहे हैं सलाम। जिस क्रिकेटर के पिता ने ट्वेल्थ फेल जैसे फिल्म बनाई, जिनकी बनाई फिल्म थ्री इडियट ने पूरी दुनिया में तहलका मचाई, उनका बेटा चाहता तो फिल्म जगत में मिल जाता आसानी से काम, लेकिन अपने जुनून के आगे छोड़ दिया फिल्मी करियर, अब क्रिकेट की दुनिया में लगा रहा रनों का अंबार। जी, रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सत्र में अपने बल्ले से लगातार बड़ी पारियां खेलने वाले फिल्मकार वधु विनोद चोपड़ा के बेटे अग्निदेव चोपड़ा ने बुधवार को कहा कि फिल्मों को लेकर वो कभी जुनूनी नहीं रहे और वो हमेशा से क्रिकेटर बनना चाहते थे। घरेलू क्रिकेट में मिजोरम का प्रतिनिधित्व कर रहे 25 साल के अग्नि ने प्रथम श्रेणी में अपने पदार्पण सत्र में 4 मैच में 767 रन बना डाले। उन्होंने इस दौरान 166, 92, 164, 114, 105 और 101 रन की पारी खेल डाली। हार ना मानने वाले जज्बे को दर्शाती विधु विनोद चोपड़ा की हालिया फिल्म ट्वेल्थ फेल पिछले कुछ समय से सुर्खियों में है और फिल्म का रिस्टार्ट गाना काफी लोकप्रिय हुआ है। अग्नि को आसानी से बॉलीवुड में काम मिल जाता, लेकिन क्रिकेट में रिस्टार्ट का मौका मिलने पर वो चूकना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, मुझसे बचपन से ये सवाल पूछा जाता रहा है कि क्या आप फिल्मों में जाएंगे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी फिल्मों में जाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पिता फिल्म बनाते हैं तो ये मेरे लिए एक आसान रास्ता होगा। उन्होंने कहा, मुझे फिल्मों में कभी दिलचस्पी नहीं थी। मेरा मतलब है कि मुझे फिल्म देखना और समय बिताना अच्छा लगता है, लेकिन ये कभी मेरे लिए जुनून नहीं था। अग्नि से जब पूछा गया कि परिंदा 1942 ए लव स्टोरी, थ्री इडियट निर्माता और हाल ही में ट्वेल्थ फेल जैसी शानदार फिल्म बनाने वाले पिता ने क्या सलाह दी, तो उन्होंने कहा, जब हम छोटे थे तो मेरे पिताजी ने मुझे और मेरी बहन को वही बताया था जो उनके पिता ने उनसे कहा था। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें सड़क पर मोची बनना है, अपने सड़क पर सबसे अच्छा मोची बनना। अग्नि ने कहा कि उन्होंने हमें वो करने की आजादी दी जो हम चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमसे कहा था कि अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करें। अग्नि ने मुंबई अंडर-19 और अंडर-23 के लिए खेला है। उन्होंने हालांकि यह स्वीकार किया है कि मुंबई के लिए आयु वर्ग में उनका पिछला सत्र खराब रहा था। इसके बाद उनके कोच खुशप्रीत सिंह ने उनसे कहा था कि बेहतर होगा कि वो मुंबई के प्रतिनिधित्व का इंतजार छोड़कर ऐसे टीम के लिए खेले जहां उन्हें क्रिकेट का मौका मिले। लेट ग्रुप में गेंदबाजी का स्तर निश्चित रूप से एलिट ग्रुप के काफी नीचे है, लेकिन फिर भी अग्नि के पास अपने तर्क हैं। उन्होंने कहा कि लोग वही कहेंगे जो उन्हें कहना है, लेकिन ये मायने रखता है कि आपका प्रदर्शन कैसा है। कई खिलाड़ी हैं जो इसी डिवीजन में खेल रहे हैं और उतने रन नहीं बना रहे हैं। मानक सभी के लिए समान है।